कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए। थैंक यू सो मच। पहले से ज्यादा आपको प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शक्ति से लेके अब थपकी तक बहुत प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे नए शो के लिए? बहुत ही खुश हूँ मैं। इस शो को हो गया, अभी टाइम हो गया है, उतना नया नहीं रहा, पर आई एम हैप्पी सीज़न टू आया। सीज़न वन की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से, अप्रिसिएशन की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्यार की थपकी मिली और हम सीज़न टू ला पाए। तो आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड एंड बहुत मज़ा आ रहा है। थपकी टू के बारे में कहीं ना कहीं सुनने में आ गया था मुझे जब मैं शक्ति कर रही थी, तो आई वॉज वेल आई वोंट लाई, आई वॉज थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू गेट अ कॉल, सिंस थपकी मैं ही हूँ एंड मैं जानती हूँ कि मैं ही रहूँगी। एंड जब कॉल आया आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, आई हैड मल्टीपल इमोशंस, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज इमोशनल दैट माई शो इज बैक एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज वेटिंग कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, क्योंकि एक शो का मैं हिस्सा ऑलरेडी थी, एक शो आ रहा है, लग नहीं रहा था कि किस तरह से चीज़ें होंगी, बट आई एम ग्लैड बिकॉज ऑफ कलर्स एवरी थिंग फेल इन टू द राइट प्लेस एंड आई एम हियर एज थपकी अगेन। जोड़ी है जी, भी आपको काफी लव किया था, अभी भी काफी लव किया जा, सोशल मीडिया में काफी बात है, क्या कहना चाहिए? इस बार बहुत लकी रहे हम, हमारे बहुत सारे मीम्स भी बने हैं एंड आई थिंक अच्छी बात है ये, अच्छी अच्छा शो को अच्छा प्रमोशन मिलता है इस चीज़ से एंड बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने मुझे हमेशा हर एक किरदार के साथ एक्सेप्ट किया है, हर एक जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं उनके साथ एक्सेप्ट किया है, अच्छी तरह प्यार दिया है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच टू ऑल माई ऑडियंस। काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी आप इमोशनली काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग से जो पहले थी आप, और अब में काफ़ी ठहराव आ चुका है, क्या कहना चाहिए मतलब इतना ठहराव हर किसी में आया है, क्योंकि थपकी वन और थपकी टू के बीच में कुछ 4-5 साल का गैप है, तो हम सब बड़े हो गए हैं, हमारी थिंकिंग अलग हो गई है, मैच्योरिटी आ गई है, काम को लेके हमेशा से टच वुड आई वाज डिसिप्लिन, बट जितना भी थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करती थी अभी भी करती हूँ जस्ट टू कीप द सेट लाइट, पर सीन में नहीं करती, सीन में आई एम वेरी सिंसियर एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम अच्छा कर पाते हैं, इफ़ यू स्टे फोकस दैट्स इट। जी, शुरू से ही जया मैम और पूरब दोनों के साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा मैं स्पेंड करती हूँ टाइम सेट पे, सिंस मेरे सारे सीन्स मोस्टली उनके साथ होते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो बहुत ही कंफर्ट है, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है हम लोगों का, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं सीन्स में, बेटर सीन बेटर हो, परफॉर्मेंस मेरी बेटर हो या उसकी बेटर हो ये ट्राई नहीं करती, एक होल इन होल सीन अच्छा निकल के आए। मैं कुछ अगर ख़राब है मेरे अंदर, कुछ दिख ऐसी रही उल्टी पुल्टी, तो जया मैम ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ दैट कि नहीं ये ऐसे ठीक करो वैसे ठीक करो, बिकॉज कई बार मैं भूल जाती हूँ चीज़ें करना, सीन में इतना मगन हो जाते हैं एंड हम लोग काफ़ी जितना हो सके, हमारे डायरेक्टर सर भी हैं वो बहुत लाइट रखते हैं मूड को, बहुत एनर्जाइज रखते हैं सबको, सेट बहुत एकदम हैप्पी और लाइट रहता है, तो मज़ा आता है। आपका जो कैरेक्टर, आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हैं शक्ति में, आपने क्या एक नया, उससे पहले थपकी में आपने जो किया वो एक अलग था, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो नए नई चीज़ें, नए कैरेक्टर, इमोशनल सब कुछ नया करने को आपको मौका मिला जो टेलीविजन में मिलता है जी, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? और अभी भी ये नए कैरेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इमोशनल मिल रहा है आपको? अपने आप को मैं लकी मानती हूँ बहुत, क्योंकि जब मैंने टेलीविज़न करना स्टार्ट किया था, मैं यही सोच के टेलीविज़न स्टार्ट किया था कि जब मुझे थपकी मिला वो तो मेरे लिए एक बहुत लक था कि मुझे एक अलग कैरेक्टर मिला है, बट उसके बाद मैंने हमेशा चाहा कि मैं एक रेगुलर कैरेक्टर ना पिक करूँ, टच वुड मेरे पास वो चूज़ करने का मौका नहीं आया, क्योंकि मेरे पास आए ही डिफ़िकल्ट और बड़े यूनिक कैरेक्टर्स जो मैंने ले लिए। सो आफ्टर थपकी मैंने जानबूझकर देव किया था, सिंस इट हेल्प मी टू ब्रेक दैट मदर इमेज, जो मैंने थपकी में मदर का कैरेक्टर भी किया था, वहीं देव में मैंने 18 साल की लड़की का कैरेक्टर प्ले किया जो शॉर्ट्स पहनती थी ध्वनि करची वाला, उसके बाद नज़र किया कुछ अलग कैरेक्टर था, अलग शो था, उसके बाद शक्ति किया, शक्ति हैज़ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म मी एज एन एक्टर, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए परफॉर्मेंस वाइज. मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की तरह परफॉर्म किया वहाँ, तो वहाँ से मुझे आदत हुई किस तरह एक एक पेज लर्न करते हैं. तो या आई थिंक हर इंसान ग्रोथ चाहता है, एंड टच वुड आई हैव सीन दैट ग्रोथ एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक एज थपकी विद अ डिफरेंट कैरेक्टर. तो कि आखिर में बिग बॉस चल रहा है, सिम्बा बिग बॉस के अंदर है, तो आप